हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि यह है यूपी टेट 2011, जो कि पेपर टू है, लेवल टू है। तो उसका पेपर हम साइको का पोर्शन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो यह वीडियो हमारी 16 क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि आ नॉर्मल चाइल्ड, जो कि 12 ईयर चाइल्ड है, ठीक है, तो इज़ मोस्ट लाइकली टू, तो मीन्स सबसे अधिक होना उसमें क्या सबसे अधिक होना संभव है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, हैव डिफ़िकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, जो ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन है उसमें डिफ़िकल्टी होना संभव है। सेकंड में कहा गया है, हैव एनजाइटी फीलिंग अबाउट प्लीजिंग अडल्ट, तो कह रहे हैं कि जो कि वयस्कों को खुश करने के बारे में, देखो इसमें कहा है कि वयस्कों को जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको खुश करने के बारे में मीन्स एक उनमें चिंता बनी रहती है, ठीक है, तो उनमें ये चीज़ होना संभव है। सेकंड में कहा गया है कि कॉन्फाइन हिज और हर इंटरेस्ट टू द हियर एंड नाउ, और कह रहे हैं कि अब और जहाँ से उसकी जो रुचियाँ हैं, ठीक है, तो उसको मीन्स क्या करना, कॉन्फाइन करना मीन्स सीमित करना, एक उसको मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसको एक लिमिट में लेकर के आना उसकी रुचियों को, तो ये चीज़ें संभव हो सकती है किशोरावस्था में, क्योंकि देखा जाए तो 12 वर्ष की उम्र के बच्चे की बात की गई है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसका मीन्स किशोरावस्था स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। किशोरावस्था में मीन्स इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ हो सकती है, तो डी ऑप्शन में कहा गया है वी ईजर फॉर पीर अप्रूवल, ठीक है, तो जो उसका उसके साथी होते हैं, उसके समकक्षी होते हैं, ठीक है, तो मीन्स वह अपने साथियों में मीन्स क्या है कि उसको कितना पसंद किया जा रहा है, ठीक है, अप्रूवल होता है कि उसको कितना पसंद किया जा सकता रहा है अपने दूसरे साथियों के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए मीन्स जो बेचैनी बनी रहती है उसमें, ठीक है, तो मीन्स एक ईज़र हम इसको उत्सुकता भी बोल सकते हैं कि उसमें जो उत्सुकता सी बनी रहती है कि उसके साथियों के द्वारा उसको पसंद किया जा रहा है या नहीं, इट मीन्स या ये चीज़ होना संभव है। देखो चार ऑप्शन यूज़ हुए हैं, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को दोबारा से बता देता हूँ। देखो ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो दो तरीके के स्किल होते हैं, एक तो ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर से याद रखोगे इसमें हमारी पूरी बॉडी भाग लेती है, ठीक है, और फाइन मोटर से याद रखोगे इसमें हमारी पूरी बॉडी नहीं भाग लेती, इसमें जस्ट बॉडी के कुछ पार्ट भाग लेते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल मैं बात करूं ग्रॉस मोटर स्किल की, तो इसमें रनिंग करना आ सकता है, डांसिंग करना आ सकता है, स्विमिंग करना मीन्स आ सकता है इसमें, तो रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिसमें हमारी पूरी बॉडी एक्टिव है, ठीक है, मीन्स हर बॉडी का जो पार्ट है वो हर मीन्स अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो जैसे कि स्विमिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें, रनिंग की बात करें, लेकिन जो फाइन मोटर स्किल होते हैं, तो फाइन मोटर स्किल में जस्ट हमारे बॉडी के कुछ अंग भाग लेते हैं। जैसे कि ड्राइंग करने की बात करूं मैं, है ना, तो जो ड्राइंग करना होता है, या राइटिंग, ड्राइंग करना, राइट करना कुछ ना कुछ, पेंटिंग करना, ठीक है, पेंटिंग करना बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि जब हम किसी माला में मोतियों को पिरोते हैं, ठीक है, किसी माला में मीन्स जो उसके मोती होते हैं, मनके होते हैं, है ना, तो जब माला में मनके मीन्स पिरोना, तो ये एग्जाम्पल भी क्या है, एक फाइन मोटर स्किल का हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके के स्किल होते हैं, ये किसमें, ये शारीरिक रूप से हैं, ठीक है, ये दोनों स्किल। तो अगर बात करें मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल की, तो देखो एज आ गई है उसकी 12 ईयर, मीन्स किशोरावस्था हो गई है, तो मीन्स किशोरावस्था में बच्चों की जो शारीरिक विकास है वो पूरे तरीके से हो जाता है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल में उसको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो ए को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। जो ऑप्शन बी है, इसमें कहा गया है कि जो उसको चिंता लगी रहती है किसके बारे में, मीन्स किसको खुश करने के लिए, अडल्ट को खुश करने के लिए। देखो किशोरावस्था है तो वह ये चीज़ें नहीं सोचते कि बड़े उसके प्रति खुश हैं,
जहाँ मतलब कि खुश नहीं है। तो किशोरावस्था से रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, जिसमें मीन्स इस तरीके का क्वेश्चन था कि जो कि किस अवस्था में वो अपने मीन्स पीज ग्रुप के प्रति क्या होते हैं, मीन्स एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आया है, ठीक है। तो इसलिए मीन्स वह अपने जो उनका पीज ग्रुप होता है, जो उनके साथी होते हैं, ठीक है, जो उनके समकक्षी होते हैं, मीन्स समान एज के हम इसको बोल सकते हैं किशोरावस्था में, तो वह उनके प्रति ज़्यादा मीन्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसलिए देखो पीर जो वर्ड है वो हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो डी ही होगा। ना तो ए सही है, ना बी सही है, और ना ही इसका सी सही है, ठीक है। तो इसलिए जो उनके मीन्स वो जी ये चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं जो किशोर होते हैं, कि उनके साथियों के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं, उनको पसंद किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वह अपने साथियों के प्रति उनकी रुचि ज़्यादा होती है, ठीक है, कि उनके साथियों में उनकी क्या वैल्यू है, वो ये चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है किशोर। तो इसलिए इसका हमारे पास डी ऑप्शन सही है। होप के ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहा गया है कि द रीज़न वाई स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम स्कूल इज़, कि विद्यालय में विद्यार्थियों जो विद्यालय है तो वो उनसे मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन क्लास टीचिंग, कह रहे हैं कि जो कि क्लास में टीचिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट की कमी है, ठीक है। बी में कहा गया है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, कि जो कि विद्यार्थियों में स्टडी करने की का इंटरेस्ट है, स्टडी करने की रुचि है, ठीक है, या उसकी कमी है। सी ऑप्शन में कहा गया है नॉट गिविंग पुनिश टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को पुनिश नहीं करना चाहिए, तो यह कारण हो सकता है। देखो उसको अगर पुनिश नहीं किया जा सकता तो यह तो कारण नहीं हो सकता कि उनको पुनिश नहीं किया। अगर पुनिश किया जाता तो हम चलो मान लेते कि पुनिश किया जाता है, फिर वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो सी तो मीन्स एक पॉजिटिव सा पॉइंट है इसलिए, लेकिन भाग जाने का कारण पूछा है, ठीक है, तो हमको नेगेटिव पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए अब देखो इसमें हमारे पास अगर ए देखें और बी देखें और सी देखें, डी ऑप्शन देखें, तो इसमें कहा गया है समस्या के प्रति शिक्षकों की जो निर्दयी अभिवृत्ति होती है, मीन्स किसी प्रॉब्लम्स को लेकर के अगर टीचर का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो निर्दयी तरीके का है, ठीक है, तो यह चीज़ हो सकती है। देखो कभी भी देखो ए भी वैसे तो देखा जाए तो नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव लग रहा है कि रुचि का अभाव, ठीक है, और डी भी नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा नेगेटिविटी किसमें मिल रही है ऑप्शन में। देखो अगर ए की बात करें तो जो टीचिंग होती है क्लास में, ठीक है, तो इसमें बात कही गई है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। देखो टीचिंग करना किसका काम होता है, टीचर का काम होता है, टीचिंग करना कभी भी स्टूडेंट का काम ही नहीं होता, ठीक है। तो टीचिंग में इंटरेस्ट की कमी टीचर को हो सकती है, स्टूडेंट को नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि टीचिंग में इंटरेस्ट की कमी है तो बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ए नहीं हो सकता। आगे बात करें बी की कि बी क्यों नहीं हो सकता, तो बी में कहा गया है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो वह जो भी मीन्स क्या है कि स्टडी करने में मीन्स उनमें रुचि की कमी है। देखो स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखना ही चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्टडी करने में जो रुचि है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तभी सीखेंगे ना अगर वो स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इसलिए कभी भी उनकी मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि स्टडी में उनकी रुचि नहीं होती इसलिए वो भागते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर के द्वारा मीन्स जहाँ उसको पुनिश किया जा रहा है, जहाँ उनके प्रति जो निर्दयी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि निर्दयी जो एटीट्यूड है टीचर का वो मीन्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या कर सकती है कि रीज़न बन सकती है क्या करने का, स्टूडेंट के भागने का, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है।
आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये कह रही हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ लेबर इन स्टूडेंट, तो कह रही हैं कि जो कि लेबर है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स में लेबर की मीन्स स्फूर्ति जगाने के लिए, ठीक है, तो उसका विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि द टीचर हिमसेल्फ शुड इंडल्ज इन लेबर, कि शिक्षक अपने ही श्रम में क्या करेगा, प्रवृत्ति दिखाएगा, ठीक है, मीन्स टीचर खुद मेहनत करेगा कह रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स टीचर खुद मेहनत करेगा तभी बच्चे मीन्स फिर क्या कर सकते हैं, उनमें भी मेहनत करने की जो भावना है उसका विकास हो सकता है, ठीक है। बी में कहा गया है कि द टीचर शुड डिलीवर लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, कि जो लेबर की महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में मीन्स टीचर क्या करेगा, एक लेक्चर प्रोवाइड करेगा बच्चों को, तो इसके द्वारा मीन्स क्या किया जा सकता है कि डेवलप किया जा सकता है लेबर की भावना को बच्चों में। सी ऑप्शन में कह रहे हैं स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डू लेबर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय समय पर क्या करना, स्टूडेंट को मीन्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वह समय समय पर क्या करें, मीन्स मेहनत करें, ठीक है, तो मीन्स उनको मेहनत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। देखो सी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को एक्टिव रखा जा रहा है कि स्टूडेंट खुद मीन्स काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको अवसर दिए जा रहे हैं। आगे हमारे पास डी देख लेते हैं, तो डी में कह रहे हैं स्टूडेंट शुड बी गिवन एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु लेबर, कि स्टूडेंट को उस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाएं जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने मीन्स श्रम किया है, तो मेहनत करने वाले लोगों की एग्जाम्पल दी जाए, है ना। तो अब आपने जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, देखो ये तो निकल ही गया होगा क्योंकि ये नहीं है कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेक्चर देना पड़ेगा, तो लेक्चर तो बच्चों के लिए यूज़ ही नहीं करना है, ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर दो कि जो लेक्चर मेथड है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम टीचर सेंटर्ड मेथड बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि लेक्चर मेथड में जस्ट क्या होता है, बच्चे पैसिव होकर के जस्ट लिसन करते हैं ज़्यादा नॉलेज को, है ना, तो ज़्यादा नॉलेज को जब वो लिसन करते हैं तो जस्ट मीन्स उनके लिए ये चीज़ बोरिंग बन जाती है, ठीक है, तो इसलिए लेक्चर मेथड बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि यह अपर क्लासेस के लिए होता है, ठीक है, तो बच्चों के लिए ये हमने यूज़ ही नहीं करना। ए और बी इसका हो नहीं सकता, और सी और डी में अगर अच्छा ऑप्शन देखा जाए तो सी में उनको मीन्स क्या किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को क्या करने के लिए, मेहनत करने के लिए, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहे हैं कि चाइल्ड डेवलप इज़ डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट, कह रहे हैं कि जो बच्चों के विकास की जो परिभाषा है, ठीक है, तो उस परिभाषा का जो अध्ययन क्षेत्र है तो वह क्या है, ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन कहा गया है एग्जामिन्स चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज़, जो कि ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तनों को क्या करना, मीन्स उसका एक परीक्षण करता है क्या, बाल विकास की परिभाषा, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है बी में कहा गया है सीक टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पेन, कि जो लाइफ स्पेन है, ठीक है, तो उसके दौरान जो बिहेवियर की जो कि व्याख्या को क्या करता है, यह उसको ढूंढता है, ठीक है, उसको फाइंड करता है। जो सी ऑप्शन में कहा गया है कंपेयर चिल्ड्रन टू अडल्ट टू सीनियर सिटीजन, ठीक है, कि सीनियर सिटीजन होते हैं और अडल्ट होते हैं उसके साथ क्या करना, बच्चों को कंपेयर करना, तो ये चीज़ क्या करती है, डिफाइन करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को। आगे जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यूज़ हुआ है, इसमें कह रहे हैं accounts for the gradually evolution of a child cognitive, social and other capacities, ठीक है, तो लास्ट में मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो कि बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो कॉग्निटिव लेवल है या उसका सोशल लेवल है या उसकी योग्यताएं हैं, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे मीन्स क्या करना, ग्रेजुअली तरीके से उसका मीन्स उसको पता करना, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। तो सिंपल बात है, डेवलपमेंट में हमारे पास क्या आता है, देखो डेवलपमेंट में आता है कि जो
मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास डेवलपमेंट में आती है। तो हमारे पास जो मानसिक विकास है मीन्स कॉग्निटिव और सोशल जो सामाजिक विकास है, ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में यूज़ हुए हैं। सो दूसरे ऑप्शंस को देखने की या समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा गया है और चाइल्ड डेवलपमेंट में मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, उसकी योग्यताएं होगी, ठीक है, तो ये चीज़ें आती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ मस्ट फॉर ए प्राइमरी टीचर, ठीक है। तो जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वह प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? इट हेल्प इन मेकिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिन, तो यह हेल्प करती है बच्चों को क्या करने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए। बी ऑप्शन में कहा गया है द एग्जामिनेशन रिजल्ट इज़ इम्प्रूव्ड, इससे जो कि परीक्षा के परिणाम हैं, ठीक है, तो वह उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है मीन्स साइकोलॉजी की नॉलेज। आगे ऑप्शन सी है, तो इसमें कह रहे हैं इट बिकम्स ए कॉन्वेंटेंट मोड फॉर मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, तो कह रहे हैं कि बच्चों को मीन्स मोटिवेट करने के लिए क्या करना, यह एक मीन्स अच्छा तरीका बन जाता है, ठीक है, सुविधाजनक तरीका बन जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है। और लास्ट में कह रहे हैं कि इट हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, कि जो कि बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए यह टीचर की सहायता करता है। देखो साइकोलॉजी का मतलब आपको पता है कि होता क्या है, इसका मतलब होता है कि व्यवहारों का अध्ययन करना, ठीक है, तो जो बिहेवियर है उसको डीपली तरीके से स्टडी किया जाता है, और चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा। और बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना हमारे पास किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, तो ये मिल रहा है हमारे पास ऑप्शन फोर्थ में। तो यह टीचर की सहायता करता है कि वह बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करे ताकि उसको मीन्स समझ पाए, ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा, दूसरे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास 21, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफ़ेक्टिव मैथड इज़, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है स्टूडेंट का, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन सा मेथड इफ़ेक्टिव है, ठीक है, तो उनको कह रहे हैं टू पुनिश द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को पुनिश करना तो साथ के साथ निकाल दो, इग्नोर कर दो। आगे कह रहे हैं टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स, क्या करना कि उनके माता पिता को क्या करना कि नोटिस भेजना, ठीक है, उनके माता पिता को मीन्स ध्यान दिलाना कि भई आपके बच्चे का जो बिहेवियर है यह सही नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें कह रहे हैं टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रिमीड्स, तो कह रहे हैं कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसका क्या कारण है, ठीक है, तो उसका एक रीज़न फाइंड करना, और फाइंड करके रीज़न उसको क्या करना मीन्स रिमीड करना मीन्स उसका उपचार करना, या मीन्स यह इफ़ेक्टिव मेथड है। और आगे कहा गया है टू इग्नोर इट, ठीक है, तो इसको यहाँ इग्नोर करना। देखो पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने रिस्पेक्ट वाला किया था कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लास्ट वीडियो में यह क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बच्चों को इग्नोर किया था, लेकिन कहीं आप इसमें बच्चों को इग्नोर ना कर दो, क्योंकि इसमें बिहेवियर की बात कही गई है अनडिज़ायरेबल, ठीक है, मीन्स जो बिहेवियर बच्चे का हमें पसंद नहीं है, मीन्स अच्छे तरीके का बर्ताव नहीं कर रहा बच्चा, है ना, तो पहली बात इसमें हम उसको पुनिश नहीं करेंगे, और दूसरी बात हम उसको इग्नोर भी नहीं करेंगे, ठीक है। या तो हम उसके माता पिता को बता सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि उसके जो बिहेवियर का कारण है, रीज़न है, वह जान सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बेस्ट देखना पड़ेगा। देखो अगर आप नोटिस करते हो पेरेंट्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि भाई व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, तो पेरेंट्स, क्योंकि डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस तरीके के हैं बच्चे के, है ना, तो लेकिन टीचर उसको समझ सकता है, क्योंकि टीचर के पास, क्योंकि टीचर ही एक
क्या कर सकता है कि बच्चे के बिहेवियर को सुधार सकता है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि बच्चे माता पिता से इतना डरते नहीं हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि टीचर के प्रति थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि एक डर का भाव होता है बच्चों में, ठीक है। तो इसलिए टीचर क्या कर सकता है, उसके कारण को जान सकता है। तो हमारे पास जो इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा वो सी ही होगा कि टीचर क्या करे, उसके जो कि बिहेवियर है, उसके जो कि उसका रीज़न है, उसको फाइंड करे और क्या करे, उसको रिमेड करे, ठीक है। तो 21 का हमारे पास आएगा सी ऑप्शन। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहे हैं सम स्टूडेंट सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर डे, कि टीचर डे पर कुछ स्टूडेंट्स ने आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजा, और व्हाट विल यू डू यू विल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, ठीक है। डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं करोगे। से थैंक्स टू देम, आप उसको थैंक्स बोलोगे। आस्क देम नॉट टू वेस्ट मनी, उनको ये कहेंगे कि भाई आपने पैसों की बर्बादी नहीं करनी है। या जो डी ऑप्शन है इसमें कह रहे हैं रेसिप्रोकेट द गुड विशेज टू देम, कि उसको क्या करोगे, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका राइट आंसर, देखो ये तो आपने दोनों निकाल ही दिए गए, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन है ना। और हमारे पास अब ऑप्शन रह गए दो, बी और डी। अब बी और डी में क्या हो सकता है, अब इस अगर क्वेश्चन की बात करें तो यह थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए, क्योंकि जो बी है ये भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो जब हमें कोई ना कोई, देखो एक बात करें कि उन्होंने क्या दिया है, कि एक ग्रीटिंग कार्ड दिया है जो कि हमारे लिए एज जो कि टीचर के लिए एक गिफ्ट हो सकता है ना, क्योंकि बच्चे टीचर को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रीटिंग कार्ड है मीन्स उसमें बच्चों की मनी वेस्ट होती है, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड किसी भी तरीके का हो सकता है। एक रफ़ पेपर पर अगर बच्चों ने दो चार फूल बना दिए, ड्राइंग कर दी फ्लावर से बना दिए, और उसमें जस्ट लिख दिया टीचर डे और टीचर का नाम लिख दिया, इट मीन्स वही एक क्या हो सकता है, ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है। तो मीन्स ग्रीटिंग कार्ड टीचर के लिए गिफ्ट हो सकता है, और जब हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उनका थैंक्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो थैंक्स होगा, लेकिन देखा जाए तो उन्हें अच्छी अच्छी शुभकामनाएं भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डी भी इसका राइट हो सकता है। सो मैं इसके आंसर के प्रति श्योर नहीं हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसके जो 22 है, ठीक है, तो इसके प्रति आप कमेंट ज़रूर करना कि आपके अकॉर्डिंग यह क्या हो सकता है, इसका आंसर वी या डी में, ठीक है। लेकिन अगर इनके आंसर की बात करूं, जो भी मीन्स ये पेपर है, ठीक है, पेपर टू और जो भी 2011 का यह पेपर है, तो इसके आंसर की बात करूं, तो आंसर के अकॉर्डिंग मीन्स इन्होंने जो आंसर दिया है यूपी टेट वालों ने, तो इसका मीन्स बी राइट आंसर दिया है। बाकी आप देख लेना कि आपको कौन सा लग रहा है, ठीक है। बट डी वी मेरे को मीन्स लगता है कि डी वी इसका सही हो सकता है, क्योंकि शुभकामनाएं देना भी एक अच्छी बात ही है ना, है ना। तो टीचर शुभकामनाएं भी तो दे सकता है, ठीक है। लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग बी है, तो आप इसके प्रति अपने जो भी ओपिनियन है, अपने विचार हैं, वो ज़रूर देना, ठीक है, अपने व्यूज़ ज़रूर देना 22 क्वेश्चन के प्रति। आगे हमारे पास नेक्स्ट है 23, तो इसमें कह रहे हैं व्हेन ए स्टूडेंट फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, सी टैट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो यह समझा जाता है कि क्या है, सिस्टम फेल हुआ है या टीचर ही फेल हुआ है, ठीक है, या जो किताबें हैं वो फेल हुई हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअली तरीके से मीन्स एक इंडिविजुअली फेलियर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का मतलब कि पूरा सिस्टम है जो कि एक बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहा था, ठीक है, तो वो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया अगर एक बच्चा फेल हो गया, ठीक है। मीन्स सिस्टम के प्रति सिस्टम हम ये कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने मैटर को है ना पढ़ा है, ठीक है, जो भी टीचर ने उसकी हेल्प की है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ही क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा जो सिस्टम होता है जो कि बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहा था, ठीक है, उसके चारों ओर, ताकि बच्चा क्या करे, नॉलेज गेन करे, बट फिर भी वह क्या हो गया कि वह फेल हो गया है ना, तो इट मीन्स वो सारा सिस्टम ही फेल हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास ए आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एक अच्छा गुण है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, या ऑविडेंस होना चाहिए, या इसमें कह रहे हैं कि कॉपरेशन और सहभागिता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स सहभागिता मीन्स सहायता करना एक दूसरे की। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, विद्यार्थी का एक अच्छा गुण है, महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें कह रहे हैं यू आर टीचिंग इन क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। कह रहे हैं कि जब आप किसी कक्षा में टीच कर रहे होगे तो बच्चा क्या करता, स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है जो टॉपिक से अनरिलेटेड है। ठीक है, जो टॉपिक से रिलेट नहीं करता क्वेश्चन, तो जब बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तब टीचर को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो मीन्ज़ हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई कक्षा के बाद मीन्ज़ जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद हम क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो इसलिए मीन्ज़ क्योंकि ऐसा है कि टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर इससे जो सभी बच्चों का ध्यान होता है वो भंग हो जाएगा, किसमें, मीन्ज़ जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो जो टॉपिक क्लास में चल रहा है, जिसको टीच किया जा रहा है, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या किया जा सकता है टीचर के द्वारा, मीन्ज़ कक्षा के बाद क्या किया जा सकता है, उस आंसर को दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो इसलिए अगर इसमें ऑप्शंस को देखें तो कह रहे हैं अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, कह रहे हैं कि उसे अलाउ कर देंगे कि क्वेश्चन आप पूछते रहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो सकता है, जहाँ कह रहे हैं नॉट अलाउ हिम टू आस्क एनी अनरिलेटेड क्वेश्चन, उसे मीन्स अनुमति नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछने की, तो हम ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हमारे पास जो कह रहे हैं कंसिडर इट एज इन डिसिप्लिन एंड पुनिश हिम, तो उसको देखो पुनिश वाला तो आप इग्नोर ही कर दो। ठीक है, तो इसको तो अगर पढ़ोगे तो बेवकूफ़ी ही है, अब ये समझोगे। तो डी ऑप्शन में कह रहे हैं आंसर द क्वेश्चन आफ्टर क्लास, देखो क्लास के बाद हम क्या कर देंगे, उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा डी ही होगा। ठीक है, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, तो इसमें कह रहे हैं एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकॉज, कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में क्या करना, टीच करना, ठीक है, बेटर होगा, क्यों। तो कह रहे हैं इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में यह सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। बी में कह रहे हैं इट मेक्स लर्निंग ईजी, यह लर्निंग को ईजी बना देगा। सी में कह रहे हैं इट इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो यह क्या है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा। डी में कह रहे हैं इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, कि यह नेचुरल इन्वायरमेंट तरीके से जो कि क्या है मीन्स बच्चों को सीखने में मीन्स क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो मातृभाषा में अगर बच्चों को टीच किया जा रहा है, ठीक है, तो इस जिस तरीके से मीन्स उन्होंने मातृभाषा सीखी होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सीखी होती है, तो इसलिए प्राकृतिक तरीके से ही मीन्स वो फिर सीखने में उनकी हेल्प करेगा। इसलिए जो इसका डी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट होगा। ठीक है, कि जो कि यह एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और बच्चों को सीखने में फिर क्या होगी मीन्स उनकी हेल्प होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, तो इसमें क्या कह रहे हैं 27 में, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, कह रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जो कि लिखते समय जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, गुड राइटिंग है, क्लैरिटी इन राइटिंग है, राइटिंग इन स्मॉल लेटर है, और लास्ट में कहा गया है राइटिंग इन बिग लेटर है। देखो अगर देखा जाए तो डी को छोड़ करके, ठीक है, स्मॉल लेटर को छोड़ करके, ठीक है, ए बी और सी सभी हो सकता है, बट
इस क्वेश्चन का आंसर मैं मीन्स आपके द्वारा ही जानूंगा, क्योंकि मेरे को यह क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। क्लैरिटी इन राइटिंग की, लेखन में क्लैरिटी भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में भी वैसे लिखना चाहिए टीचर को, ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे सके। बट अब बड़े लेटर्स की बात की गई है, लेकिन अब लेटर ये नहीं पता ना कितना बड़ा, अब वो इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, या इतना। तो अब इसमें एक साइज नहीं दिया गया है ना, तो इसलिए सी भी हम चलो इसका इग्नोर कर देंगे, लेकिन ए और बी में मीन्स अब कौन सा सही है, ठीक है। लेकिन मैं इसके आंसर की अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, आंसर की के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है इसका गुड राइटिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका गुड राइटिंग आएगा, बट लेखन में स्पष्टता होनी भी ज़रूरी है। तो यह भी कि क्या है कि बोर्ड पर लिखते समय ये चीज़ भी टीचर को देखनी पड़ेगी कि जो भी वो राइटिंग कर रहे हैं उसमें स्पष्टता है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए बी भी हो सकता है, बट इसका राइट आंसर दिया है ए, और आप प्लीज़ इसके प्रति भी अपने सुजेशन प्रोवाइड करोगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है 28, इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास यू विल, कि स्टूडेंट है कि आपकी क्लास में लेट आते हैं तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे, पुनिश हिम, देखो पुनिश वाला छोड़ दो, ट्राई टू नो द रीज़न, रीज़न को जानने की, देखो पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, हमने एक पीछे भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि उसके बिहेवियर क्या है, अच्छा नहीं है, तो उसका जो बिहेवियर है वह अच्छा नहीं है, तो उसके बिहेवियर का कारण जाने के है ना, तो इसमें भी हमारे पास जो राइट आंसर आएगा सी, कि क्या करेंगे कि लेट आने का जो कारण है, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कह रहे हैं हाउ शुड स्टूडेंट बी मोटिवेटेड इन स्कूल, तो स्कूल में स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाना चाहिए, क्यों, ठीक है, क्यों किया जाना चाहिए, बी सिलेक्टेड स्टडी की चुने हुए अध्ययन के द्वारा, ठीक है। आगे कह रहे हैं बी इंसिडेंटल स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी के द्वारा, और कह रहे हैं वाई इंटेंसिव स्टडी, इंटेंसिव स्टडी के द्वारा, तो ऑप्शन जो डी है इसमें कह रहे हैं लर्निंग बाय रिसाइटेशन, ठीक है, तो रिसाइटेशन के द्वारा। देखो अब स्टूडेंट को मोटिवेट करना उचित है, ठीक है, किसके द्वारा, चुने हुए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक, देखो प्रासंगिक तो इसका हो भी नहीं सकता, इंसिडेंटल स्टडी हो ही नहीं सकती। आगे गहन अध्ययन, गहन अध्ययन देखो डीपली तरीके से पढ़ना होता है, गहन अध्ययन को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम डीपली तरीके से पढ़ते हैं, तो डीपली तरीके से पढ़ना और मोटिवेट का क्या संबंध है, है ना, तो इन दोनों का संबंध ही नहीं बन रहा, रिलेशन ही नहीं बन रहा, इसलिए हमारे पास सी भी नहीं होगा। दो रह गए हमारे पास ए और डी ऑप्शन, ठीक है, और ए कह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ें मीन्स क्या की जाए, सिलेक्टेड चीज़ें ली जाए, ठीक है, और उसी को मीन्स पढ़ाया जाए सिलेक्टेड चीज़ों को, तो इसलिए सिलेक्टेड स्टडी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते, या फिर कह रहे हैं सेस्वर अधिगम द्वारा। देखो इसमें अब बात अधिगम की आई है, मीन्स वो सेस्वर अधिगम मीन्स लर्निंग क्या हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, रिसाइटेशन के द्वारा हो रही है, सेस्वर के द्वारा हो रही है, ठीक है, तो जब लर्निंग रिसाइटेशन के द्वारा होगी तो बच्चे मोटिवेट होंगे ही होंगे, ठीक है, तो इसका ए की बजाय हम जो राइट आंसर है वो क्या लेंगे, डी लेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, तो जो कि एजुकेशन का एम है यह होना चाहिए किस तरीके का, टू डेवलप वोकेशनल स्किल इन द स्टूडेंट, स्टूडेंट में जो वोकेशनल स्किल है मीन्स व्यावसायिक कुशलता है, ठीक है, तो इसको डेवलप करने के लिए। बी में कहा है टू डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट, स्टूडेंट में जो सोशल अवेयरनेस है, ठीक है, तो इसको विकसित करने के लिए मीन्स एजुकेशन का एम है। थर्ड कह रहे हैं टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को, एग्जामिनेशन में भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए, और डी ऑप्शन में कहा गया है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, कि उसको मीन्स व्यवहारिक जीवन में क्या करने के लिए, स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसलिए हमारे पास जो देखो राइट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, मीन्स उसको आने वाले जीवन में, फ्यूचर में, ठीक है, वह एक मीन्स क्या कर सकता है, उसका जो व्यवहारिक जीवन है, ठीक है, तो उसके लिए
बच्चे को तैयार करना, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एम हो, एजुकेशन एम होगा। क्योंकि वोकेशनल स्किल में जस्ट क्या आएगा, उसका व्यवसाय आएगा। तो जस्ट ये नहीं है कि एजुकेशन का मेन एम यही होता है कि उसका मीन्स उसको जो भी उसका व्यवसाय है, ठीक है, तो उसकी शिक्षा देना है ना, तो जस्ट ये नहीं हो सकता। और सोशल अवेयरनेस भी नहीं हो सकता सिर्फ आगे है, और स्टूडेंट को सिर्फ एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए नहीं होता। स्टूडेंट मीन्स अपनी जो भी उसकी लाइफ है, तो उसको उसको कैसे जीनी है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार करना है स्टूडेंट को। किसका लक्ष्य, मीन्स एजुकेशन का मेन एम, ठीक है। ये हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो ये सेकंड वीडियो थी, सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो आगे कुछ और वीडियोस लेकर के आएंगे इसी तरीके से क्वेश्चनिंग की, ठीक है, ताकि आपको मीन्स जो भी है मैटर है जो भी साइकोलॉजी का, वह अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिक ऑन द गिव आइकॉन टू सब्सक्राइब अस। Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.